आवाज, अब आ रही है? यस मैम। हाँ तो चलो अब क्या करो, आप निकालो अपनी ईवीएस की बुक। यस मैम। ओके सबने निकाल ली? मॉरल साइंस, सॉरी बेटा मॉरल साइंस की बुक निकाली है, सॉरी सॉरी मॉरल साइंस की बुक निकाली है। मैम निकाल ली। हाँ चलो, हमने फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था मॉरल साइंस में? यस मैम। बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ा था? काइंडनेस। काइंडनेस, काइंडनेस चैप्टर। हाँ काइंडनेस। आज हमने तो बत बी हॉमेट, बी हॉमेट, बी हॉमेट, बी हॉनेट, बी हॉनेस। आज हम सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, अभी हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। पहले ये बताओ सबने हार्ड वर्ड्स याद किए? यस मैम। हार्ड वर्ड्स नहीं करवाए थे ना? चलिए आज हम लोग हार्ड वर्ड्स करेंगे मॉरल साइंस। मैम इसकी कॉपी किस तरह बनेगी? जो आपकी दोनों साइड वाली कॉपीज होती है ना, नॉर्मल कॉपीज, यस मैम, वो वाली। ओके मैम। ओके मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा लेफ्ट स्वाइप करिए और देखिए वहां पे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा ना, लेफ्ट स्वाइप करो बेटा। मैम कर रही है, तब भी नहीं दिख रही है। देखो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा ना, जहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड दिखेगा वही वाली स्क्रीन है। मैम नहीं दिख रहा व्हाइट बोर्ड। देखो बेटा देखो, चेक करो, बाकी सबको दिख रही है? मैम मेरा नहीं दिख रहा, मैं उसी से चला रही हूँ। अच्छा आदित्य फसबीर आपको बताओ स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही है? मुझे दिख रही है। फसबीर को दिख रही है, आदित्य आपको दिख रही है? यस मैम। हाँ पंखड़ी अब आपको दिखी? नो मैम। बेटा फिर से एक बार लेफ्ट या राइट स्वाइप करो, देखो दिख रही होगी उस पे आपको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। मैम नहीं दिख रही है। अच्छा एक काम करो, एग्जिट करके दोबारा एंटर हो आप, ठीक है ना? फिर देखो नेटवर्क इश्यू होगा, एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर हो। तो चलो अब हाँ आज हम लोग बेटा मॉरल साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉरल साइंस। हाँ चलो हाँ सब लोग। मैम आपके चित्र नहीं दिख रहा सर, लेफ्ट स्वाइप करिए, वहां पे देखिए व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा। आपकी फोटो नहीं आ रही है। लेफ्ट स्वाइप करिए, आप पे देखिए आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। पंखुड़ी अब आई, अब स्क्रीन दिखी आपको? हाँ मैं दिख गई। ठीक चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्ड वर्ड्स। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हार्ड वर्ड्स। हाँ तो हमारा पहला हार्ड वर्ड है काइंडनेस। पहला हार्ड वर्ड क्या है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? मॉरल साइंस। मॉरल साइंस, हाँ मॉरल साइंस। चलो हमारा पहला हार्ड वर्ड क्या है? हमारा पहला हार्ड वर्ड है काइंडनेस। क्या है? काइंडनेस। स्पेलिंग क्या है काइंडनेस की, सब लोग साथ में बोलिएगा। K I N E N E double S, kindness। पहला वर्ड क्या है? K I N D N E double S, kindness। ओके सब लोग बोलिए साथ में, kindness। हाँ K I N D N E double S, kindness। ओके ओके मैम। ओके बच्चों चलो अब हमारा सेकंड वर्ड है इम्पोर्टेंट। सेकंड वर्ड क्या है? इम्पोर्टेंट। आई एम P
P-O-R-T-A-N-T, important. हमारा second word क्या है? Important. सब लोग साथ में बोलिए. I am P-O-R-T-A-N-T, important. Important. हाँ, वेरी गुड. अब हमारा थर्ड वर्ड है ह्यूमन. थर्ड वर्ड क्या है? ह्यूमन. H-U-M-A-N. ह्यूमन. फिर से बोलिए. हाँ, फिर से बोलिए सर. H-U-M-A-N. ह्यूमन. And human. अब फोर्थ वर्ड है हमारा क्वालिटी. Q-U-A-L-I-T-Y. क्वालिटी. फिर से बोलिए सर. Q-U-A-L-I-T-Y. वेरी गुड. क्वालिटी. क्या बोलेंगे इसको? क्वालिटी. क्वालिटी. पहला वर्ड है हमारा. कौन पढ़ेगा पहला वर्ड? क्या है? काइंडनेस. स्पेलिंग क्या है काइंडनेस की? वेरी गुड. वेरी गुड. क्या है पहला वर्ड हमारा? काइंडनेस. अब सेकंड वर्ड क्या है? Important. वेरी गुड. अब हमारा थर्ड वर्ड क्या है? थर्ड वर्ड पढ़िए. Human. Human. वेरी गुड. फोर्थ वर्ड पढ़िए. वेरी गुड. वेरी गुड. अब हम पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ वर्ड. फिफ्थ वर्ड क्या है? एक्सपेक्टेड. E-X-P-E-C-T-E-D. एक्सपेक्टेड. फिफ्थ वर्ड क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड. E-X. बोलिए सब लोग साथ में. Expected. Very good. फिर sixth word है हमारा fellow. क्या है fellow? F-E-L-L-O-W. Fellow. क्या है हमारा सिक्स वर्ड? F-E-L-L-O-W. वेरी गुड. चलो सेवेंथ वर्ड पढ़ो. मैम कौन सी बुक है? बेटा ये आपकी मॉरल साइंस की बुक है मैम. मॉरल साइंस की बुक चैप्टर फर्स्ट. मैम कौन सी बुक है? मॉरल साइंस की बुक है ये आपकी. मैम कौन सी देख ये आपकी मॉरल साइंस की बुक है. ये पढ़ाई जा रही है. ठीक है. अब सेवन वर्ड है आपका बी. B-E-I-N-G-S. Beans. सब लोग साथ में बोलिए. B-E-I-N-G-S. Very good. अब हमारा eighth word है especially. E-S-P-E-C-I-A-L-L-Y. Especially. Eighth word क्या है हमारा? Especially. E-S-P-E-C-I-A-L-L-Y.
स्पेशली स्पेशल स्पेशली स्पेशली हाँ चलिए आदित्य सबसे पहले आप पढ़िए सारी स्पेलिंग्स को काइंडनेस स्पेलिंग सही बोलिए K I N D N E डबल S काइंडनेस हाँ आगे N I N D A O R T N T important H U M A N human hello ma'am हाँ बेटा protected ओ quality U U A L I T Y quality हाँ very good आगे E F T E C T E D expected very good आगे पढ़िए F F E double L O W flu fellow B क्या है fellow F E double L O W fellow आगे पढ़िए beings b e i n g s very good इसको पढ़िए especially क्या है ये s p हाँ spelling बोलिए इसकी e c a double l y especially C-I-A-C-I-A-L-L-Y especially E-S-P-E-C-I-A-L-L-Y especially okay चलिए हाँ अविका yes ma'am आप पढ़ के सुनाइए अविका आप पढ़ के सुनाइए kindness K I N very good N E double S kindness. Important. I M P O E A N T. Important. Human. H U M A N. तो हमारा पहला वर्ड है हाँ. K I N D N E double S. K I N D N E double S. Kindness. पहला वर्ड है हमारा काइंडनेस पहला वर्ड क्या है काइंडनेस सेकंड वर्ड है हमारा इम्पोर्टेंट सेकंड वर्ड है हमारा इम्पोर्टेंट थर्ड वर्ड है हमारा ह्यूमन थर्ड वर्ड क्या है ह्यूमन फोर्थ वर्ड है क्वालिटी फोर्थ वर्ड क्या है क्वालिटी फिफ्थ वर्ड है हमारा एक्सपेक्टेड फिफ्थ वर्ड क्या है सिक्स वर्ड है फेलो सिक्स वर्ड क्या है फेलो सेवेंथ वर्ड है सेवेंथ वर्ड क्या है बींग्स फिर एट वर्ड है हमारा स्पेशली स्पेशली क्या है स्पेशली वेरी गुड चलिए अब हम आगे के करेंगे ठीक है यस मैम सब लोग याद कर लीजिएगा ठीक है ना ओके मैम ओके मैम हाँ सब बच्चे क्या करेंगे सारी स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करेंगे ओके ओके मैम
अब हमारा नाइन्थ वर्ड है फॉर्च्यून, FORTUNATE, फॉर्चुनेट। हमारा नाइन्थ वर्ड क्या है? फॉर्चुनेट, FORTUNATE, UNATE, fortunate, 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 fortunate. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। हाँ बेटा। कुछ नहीं मैम। ओके। चलो। फॉर्चुनेट के बाद हमारा क्या है? टू वर्ड्स। TOWARDS क्या है? TOWARDS टू वर्ड्स। आर डी टू वर्ड्स। हाँ एस टू वर्ड्स। TOWARDS टू वर्ड्स। टू वर्ड्स। फिर इलेवेंथ वर्ड है हमारा मर्सी। क्या है? मर्सी, MERCY, MERCY, वेरी गुड। फिर ट्वेल्थ वर्ड है हमारा, हाँ बेटा, exhibiting, MERCY, हाँ। अब अगला वर्ड है हमारा एग्जिबिटिंग, exhibiting. फिर हमारा लास्ट वर्ड है बेनिफिशियरी। क्या है? बेनिफिशियरी, BENEFECIARY, बेनिफिशियरी। क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ ये क्या लिखा है? फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, FORTU, हाँ। फिर हमारा क्या है? टू वर्ड, TOWARDS, टू वर्ड। फिर हमारा क्या लिखा है? मर्सी। फिर क्या लिखा है? मर्सी, MERCY, वेरी गुड। तो ट्वेल्थ वर्ड है हमारा एग्जिबिटिंग। क्या है? एग्जिबिटिंग, वेरी गुड, एग्जिबिटिंग। फिर हमारा थर्टीन वर्ड है बेनिफिशियरी। क्या है? बेनिफिशियरी, वेरी गुड। क्या हो गया? बेनिफिशियरी। ओके, तो चलो हमारा पहला वर्ड क्या था? काइंडनेस।
काइंडनेस की स्पेलिंग क्या थी? के आई एन वेरी गुड काइंडनेस. सेकेंड वर्ड था हमारा इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट वेरी गुड. थर्ड वर्ड था हमारा ह्यूमन. HUMAN ह्यूमन. वेरी गुड ह्यूमन. फोर्थ वर्ड था हमारा क्वालिटी. हेलो मैम. हाँ बेटा. मैम जो आप हाँ बेटा आपको करना है कॉपी में आपको सब क्या मैम? मैं ये बोलिए बोलिए बेटा. हाँ बेटा इसको कर लीजिएगा कॉपी में और सबकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा. ठीक है ओके मैम. तो फोर्थ वर्ड है हमारा क्वालिटी. QUALITY क्वालिटी. फिर फिफ्थ वर्ड क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड. क्या है? EXPECTED expected. फिर हमारा सिक्स वर्ड क्या था? फेलो. क्या था? FELLOW फेलो. फेलो क्या था? फेलो. फेलो के बाद था सेवेंथ वर्ड बताओ क्या था हमारा? बीइंग्स. बीइंग्स BEINGS BEINGS वेरी गुड. चलो नेक्स्ट वर्ड बताओ क्या था? Especially ESCIALLY especially. क्या था हमारा? स्पेशली. ESPECIALLY स्पेशली. फिर नाइन्थ वर्ड था हमारा फॉर्चुनेट. क्या था? फॉर्चुनेट. टेंथ था हमारा टुवर्ड्स. TOUGHTE फॉर्चुनेट. हाँ टुवर्ड्स की स्पेलिंग बोलिए. वेरी गुड. इलेवेंथ इलेवेंथ की स्पेलिंग बोलिए. mercy. वेरी गुड. ट्वेल्थ की स्पेलिंग बोलिए. HIVITING exhibiting. very good. अब 13 word की spelling बोलिए. TENEFIERARY beneficiary. क्या होगा? beneficiary. very good. अब आप सब लोग क्या करेंगे? आप सब लोग इसकी स्पेलिंग्स को याद करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे. ओके ओके मैम. ओके तो चलो बताओ हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी ना? यस मैम. काइंडनेस. हाँ बताओ किसको स्टोरी याद है ये? मैम मुझे नहीं आई. किसी को नहीं याद स्टोरी? बताओ किसको इस स्टोरी याद है ये? मैम अविका से. अविका को याद है? यस मैम जब कल आपने मुझे रिपीट कराई थी. अच्छा तो चलो बताओ जल्दी से हमने क्या पढ़ा था स्टोरी में. बताओ क्या थी स्टोरी हमारी?
एक शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसके पैर कील गड़ गई। उसके स्लेव के पैर में कील गड़ गई कि लॉयन के पैर में कील गड़ी हुई थी? लॉयन के। हाँ, तो क्या हुआ था, एक जो शेर, जो एक स्लेव था जिसका नाम था, क्या था उसका नाम, था एंड्रलोस। क्या नाम था? एंड्रलोस। वो क्या हुआ था, वो अपने मास्टर के घर से भाग गया था। और कहाँ भाग गया था? जंगल की तरफ भाग गया था। तो वहां पे उसने क्या देखा, वहां पे उसने देखा कि एक शेर जो था, हाँ आप सेवई खाती हो से, स्लेव ने एक शेर को, अभी पढ़ाई करो, ओके ओके फजबी, अभी आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो क्या था, जो स्लेव था वो जंगल की तरफ भाग गया था, और वहां पे उसने देखा कि एक लॉयन जो था उसके पैर में क्या थी, उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। क्या चुभा हुआ था उसके पैर में, लॉयन के पैर में कांटा चुभा हुआ था। हाँ, जिससे क्या हो रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था, है ना? यस मैम। तो जब स्लेव ने देखा कि शेर उसके पीछे नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है, जो स्लेव ने देखा कि शेर उसके पीछे नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया, उसने वो शेर के पास गया और उसने देखा कि लॉयन के पैर में क्या है, कांटा चुभा हुआ है और उसको बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो क्या करता है शेर, तभी वो स्लेव क्या करता है, उस लॉयन के पैर से कांटे को निकाल देता है, है ना? जिससे क्या होता है, शेर के पैर जो दर्द होता है वो रुक जाता है, और क्या होता है, वो वहां से वापस चला जाता है। तो आगे, हाँ, तो स्लेव फिर से भागने लगता है, पर क्या होता है, जो भी किंग के, जो उसके मास्टर के जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। हाँ, और कहाँ ले जाते हैं, मास्टर के पास, राजा के सामने ले जाते हैं। जब राजा के सामने ले जाते हैं तो राजा क्या ऑर्डर करता है कि उस स्लेव को किसके सामने डाल दो, भूखे शेर के सामने डाल दो, यही ऑर्डर करता है ना? यस मैम। राजा कहता है कि स्लेव को लॉयन के केस में डाल। हाँ, राजा क्या बोलता है, राजा बोलता है कि उस स्लेव को हंग्री लॉयन के केज में डाल दो, जिससे क्या होगा, लॉयन उस स्लेव को खा जाएगा। पर जब स्लेव को लॉयन के केज में डाल देते हैं, तो वो लॉयन क्या करता है, उसको खाने की जगह बल्कि क्या करता है, डांटता है, उसको देख के दहाड़ता है, और क्या करता है, उसके फीट्स को लिक करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, स्लेव के फीट्स को, हाँ, लिक करना स्टार्ट कर देता है। क्यों बताओ? क्योंकि उसने उसके पैर से कील निकाली थी। हाँ, क्योंकि शेर क्या हो गया था, शेर ने उसको पहचान लिया था कि जब वो उस दर्द में था तो उसी स्लेव ने क्या करी थी, उसकी मदद करी थी, है ना? हाँ, ये क्या हुआ था, फिर राजा ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि शेर ने तुमको नहीं खाया, तो स्लेव ने क्या किया, राजा को सारी स्टोरी बता दी कि उसने कैसे उस शेर की मदद की थी। और ये बात सुन के क्या हुआ था, राजा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, है ना? yes, yes, और फिर उसने, हाँ, और फिर उसने क्या ऑर्डर किया, फिर उसने ऑर्डर किया कि जो स्लेव है और जो लॉयन है, दोनों को क्या कर दो, रिलीज कर दो, है ना? मतलब गेट अभी कर दो, गेट फ्री कर दो। हाँ, उसको फ्री कर दो। अब वो दोनों क्या होंगे, दोनों अपने फ्रीली रहेंगे अच्छे से। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है, इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि हमें हमेशा एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए।
हाँ, हमें एनिमल के साथ साथ जो भी पीपल जिनको भी हेल्प की जरूरत है सबकी हेल्प करनी चाहिए, है ना? Yes, ma'am. और हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आईज और ईयर्स को ओपन रखना चाहिए ताकि क्या हो सके हमें बेटा. हाँ, ताकि हम सबकी सबको देख सके और सुन सके. अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो हम उसकी जल्दी से क्या कर सके, मदद भी कर सके, है ना? हाँ बेटा. मैम आप एलियंस का आंसर क्वेश्चन कब भेजेंगी? किसका बेटा? एलियंस का आंसर क्वेश्चन मैम अभी करवाऊंगी ना, मैं करवा रही हूँ ना सर, बस करते जाइएगा जो जो मैं करवाती जा रही हूँ. ठीक है? ठीक. तो इतना बेटा. हाँ बेटा. EVS का हुआ नहीं है बेटा, जितना आपको करवाया है उतना आपको आपका काम कंप्लीट है ना? Yes, ma'am. हाँ तो बस आप इसको पढ़िए, इसका काम कंप्लीट करिए. सारा काम कंप्लीट है ना? आप लोग अच्छे बच्चे हो, सारा काम कंप्लीट करा करो अपना टाइम से. ठीक है ना? कंप्लीट नहीं है. तो बेटा YouTube पे आपकी वीडियो पड़ी हुई है ना, वहां पे जाइएगा और देख के कर लीजिएगा यूएस वाला काम. ठीक है? ओके. यस मैम. आपका सारा काम ना उस पे YouTube पे आपकी जो जो क्लासेस चल रही है जिसमें सब करवाया गया है सब आपका YouTube पे पड़ा हुआ है ना? तो वहां पे आप क्या करिएगा, वहां पे आप जाइएगा और अपनी क्लास की वीडियो खोल के उसको काम कर लीजिएगा. ठीक है? ओके. तो बताओ बच्चों, आप सबको स्टोरी समझ में आई फिर से? यस यस मैम. अब भूलोगे तो नहीं? नो मैम. अगर मैम एक बार हम रिपीट कर लेंगे क्योंकि याद रहेगा. मिलती है. हाँ, इस स्टोरी को कैसे जानवर को कभी कभी चोट लग जाए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. Yes, ma'am. हाँ, हमें क्या करनी चाहिए, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए जो जिसको भी किसकी जरूरत हो, मदद की जरूरत हो. ओके मैम. जब किसी ठीक है तो बताओ अब आप लोग सबकी मदद करोगे ना? Yes, ma'am. की मदद लेनी पड़ती है डॉक्टर से. हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमें जिसकी भी मदद कर सकते हैं उन सब की हम मदद करेंगे. ओके चलिए, तो अब आप लोग क्या करेंगे बताओ, आप लोग इसके फर्स्ट चैप्टर के हार्ड वर्ड्स को अच्छे से याद करोगे. ओके, आज आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स करवाए हैं ना, ये सारे हार्ड वर्ड्स करवाए हैं ना? यस मैम. सबको हाँ, इन सब की स्पेलिंग्स याद करोगे. ओके ओके मैम. मैं कॉपी में मैम लिख ले रही हूँ, फिर याद कर लूँ. हाँ हाँ, उसके बाद में मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके वर्ड मीनिंग्स भी करवाए थे ना? यस मैम. हाँ, उनको भी याद कर लीजिएगा. ठीक है मैम. मैम लिख भी लेंगे कॉपी में. लर्न इट वेरी गुड फर्स्ट बी. मैं ना अब नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पूछूंगी. ठीक है? ओके मैम. हाँ, तो सब लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा. ठीक है? ओके बाय बच्चों. बाय मैम. हाँ बेटा, आज वही खा दी बेटा. बाय 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 बाय.